इज इट सेफ टू बाय आईफोन फ्रॉम सेलबडी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको आईफोन जो है सेलबडी से क्यों लेना चाहिए, और इसके लिए मैं आपको जो है कुछ की पॉइंट्स बता दूंगा कि सबसे पहले तो बेस्ट वे जो है आईफोन बाय करने का वो होता है कि आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो, सेकंड जो है आप शॉप पे जाके ले सकते हो। बट अगर आप प्राइस कंपेयर करोगे तो आपको जो है एक काफ़ी ह्यूज डिफरेंस मिल जाता है कंपेयर टू सेलबडी का जो प्राइस है एंड जो ऑनलाइन आपको प्राइस मिलता है। इस वजह से बहुत सारे लोग जो है वो सेलबडी से आईफोन लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट आपका होता है मनी सेविंग। अगर आप ऑनलाइन बाय करते हो और अगर आप सेलबडी से बाय करते हो तो इन दोनों के बीच में जो एक काफ़ी ह्यूज डिफरेंस हो जाता है मनी सेविंग को लेके। सो अगर आप ऑनलाइन बाय करते हो उसके कंपैरिजन में आपको ऑलमोस्ट 20-25,000 उससे ज़्यादा का भी डिस्काउंट कई बार मिलता है सेलबडी पे। अब बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट है जेन्युइन। तो ऑनलाइन आप लेते हो तो ऑब्वियसली आपको जेन्युइन प्रोडक्ट ही मिलता है, बट सेलबडी जो है वहाँ पे भी आपको जेन्युइन प्रोडक्ट्स ही मिलता है, सारे पार्ट्स ओरिजिनल होते हैं एंड सेलबडी जो है काफ़ी ट्रस्टेड एक स्टोर बन चुका है इस टाइम पे, और मिलियंस ऑफ लोगों ने ऑलरेडी वहाँ से बाय किया है। तो वहाँ से भी है जो आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट्स ही हमेशा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है कस्टमर सर्विस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब के बीच में। सो अगर आप सेलबडी से लेते हो तो वहाँ पे भी आपको एक काफ़ी अच्छा कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। मैं जितने भी टाइम शॉप पे विजिट किया हूँ वहाँ पे जो कस्टमर से बात करने का तरीका होता है या प्रोडक्ट सेल करने के बाद आफ्टर सर्विस जो होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा है, तो आप वहाँ से ऑब्वियसली बाय कर सकते हो। एंड अगर आप ऑनलाइन बाय करते हो तो आपको 1 ईयर जो है एप्पल वारंटी मिलता है, जबकि अगर आप सेलबडी से लेते हो तो भी आपको 1 ईयर वारंटी मिलता है, बट वो जो वारंटी है वेंडर वारंटी मिलता है आपको। अब आप लोग में कुछ जो लोग हैं उनको नहीं पता होगा वेंडर वारंटी, तो वो बता देता हूँ मैं। एप्पल की जो वारंटी है वो आप किसी भी एप्पल के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में जाके आप फ़ोन को रिपेयर या जो भी प्रॉब्लम है आप दिखा सकते हो, बट वेंडर वारंटी जो जब आप वेंडर वारंटी की बात करते हो तो आप उस पर्टिकुलर शॉप पे ही आपका फ़ोन जो है वो रिपेयर या रिप्लेस करा सकते हो जो भी हो। एंड ये सब पॉइंट्स के बाद भी काफ़ी लोग को ऐसा होता है कि अगर मैं प्रोडक्ट ऑर्डर करूँ तो ऑर्डर मुझे मिलेगा या नहीं, बिकॉज आप अगर देखोगे तो इंस्टाग्राम या काफ़ी सारी जगह पे फेक वेबसाइट जो है इस नाम से भी बने हुए हैं। तो आपको एक जेन्युइन जो वेबसाइट का मैं लिंक नीचे दे देता हूँ आपको वहाँ से परचेस करना है, और वैसे भी आपको गूगल पे भी मिल जाता है, बट काफ़ी सारे लोग ऐसे जो है फंस जाते हैं फेक जगह पे पेमेंट करके। सो आप जेन्युइन जगह पे पेमेंट करो और आपको जो प्रोडक्ट है वो ज़रूर रिसीव होगा। एंड काफ़ी सारे लोगों ने जो है प्रोडक्ट मिलने के बाद उसका अनबॉक्सिंग एंड ये सब वीडियोज़ भी बनाया है जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, सो आप लोग वो सब भी चेकआउट कर सकते हो। किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है हैप्पी कस्टमर, जो कि ऑलरेडी सेलबडी के पास काफ़ी सारे हैं। तो ऑलरेडी जो ट्रस्ट का बेस है वो काफ़ी पहले ही क्रिएट हो चुका था और इन्होंने अभी धीरे धीरे करके इसको काफ़ी अच्छे लेवल तक जो है लेके आ चुके हैं। और अगर आपको एक आईफोन लेना है और आपका बजट जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो आप ऑब्वियसली चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है, आप वेबसाइट पर जाकर प्राइस जो है वो देख सकते हो। एंड लास्ट जो चीज़ है वो है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस वीडियो को तो उस वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। एंड आई नो मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, बट बिकॉज मेरा जॉब भी है तो मुझे काफ़ी कम टाइम मिल पाता है। सो अब मोस्टली मैं ट्राई करूँगा कि मंडे या ट्यूजडे जो है मैं वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ अपने चैनल पर। ट्रैवलिंग वीडियोज जो है वो सिर्फ मंडे ट्यूजडे के पास में ही आ पाएंगे, और नॉर्मली जो ऐसे शूट वीडियोज़ होते हैं वो मैं मोस्टली ट्राई करूँगा कि every 2-3 days में जो है अपलोड कर पाऊँ। एंड आप लोग ऐसे ही सपोर्ट देते रहना, एंड लास्ट वीडियो में आपने काफ़ी अच्छा जो है रिस्पॉन्स दिया है, तो इसकी वजह से के लिए मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो जो पोस्ट करने का टाइम है मेरा वो और थोड़ा कम करूँ और जल्दी जल्दी वीडियोज़ अपलोड करूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।